हेलो गाइस, कैसे हो। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारी गोल्डन पट्टी होती है उसको किस तरीके से लगाया जाता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास स्लाइडिंग वार्डरोब का डोर है। इसी में हम लोग इस गोल्डन टी पट्टी को लगाएंगे और इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो चलो फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको लगाना होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा डोर है उसमें हम लोगों ने पहले से मार्क कर लिया हुआ है किस तरीके से डिज़ाइन करना है इस डोर में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पेंसिल से मार्क किया हुआ है। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले ग्रू तैयार करेंगे इस टी पट्टी को फिट होने के लिए। इसके लिए हम लोग कटर मशीन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और आपको उतना ही उसका ब्लेड बढ़ाना है जितना कि आपका ये पट्टी आसानी से फिट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, और बॉटम पट्टी रख करके आपको कट कर देना है। यहाँ पे शुरुआत में दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आपको शुरुआत में और लास्ट में आपको कटर मशीन का ब्लेड बचाना है कि पार ना हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखते हुए, नहीं तो दोस्तों बाद में गंदा लगेगा। और यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ग्रू तैयार कर लिया हुआ है। अभी हम लोग इस साइड का भी कट कर लेते हैं सेम वैसे ही। और इसके बाद दोस्तों जो एक लाइन बची हुई है उसको भी हम लोग इस कटर मशीन की सहायता से कट कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये ग्रू तैयार हो जाएगा, और इसी के अंदर दोस्तों हम लोग इस टी पट्टी को फिट कर देंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारी गोल्डन पट्टी है, ये बीच वाली, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कट कर लिया हुआ है। और इसके बाद जो दोस्तों हमारी दो बची हुई है उसको हम लोग कट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग रख करके मार्क करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके ही, और दूसरी बार से दोस्तों हम लोग दूसरी साइड में कट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया हुआ है। अभी हम लोग इसको कट करने के लिए जो हमारा एंगल ग्राइंडर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो लोहा काटने वाली ब्लेड होती है उसको लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे कट हो चुका है, इसको थोड़ा सा जहाँ पे मार्क किया हुआ है सेम उसी तरीके से आपको कट करना है, तब जाके दोस्तों ये प्रॉपर मैच हो जाएगा। अभी हम लोग इसको मैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरीके से ये एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाहर की साइड में भी यहाँ पे निशान लगा लेते हैं पेंसिल से, और इसको भी हम लोग इस एंगल ग्राइंडर की सहायता से कट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कट हो चुका है, और एक बार इसको हम लोग फिट करके देख लेते हैं, ये पूरा बराबर है दोस्तों। अभी हमारी एक पट्टी और बची हुई है दोस्तों, हम लोग उसको भी कुछ इस तरीके से रख लेंगे, और इसको मैच करते हुए जो बाहर की साइड में दोस्तों निशान लगाना है उसको निशान लगा लेते हैं, और इसको भी कट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो गोल्डन टी पट्टी का कटिंग करने का जो प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये कट हो चुकी है दोस्तों, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा करके रखें। अभी दोस्तों हम लोग फाइनल में इस टी पट्टी की घिसाई करेंगे, जो हमारा धार होता है जो अंदर जाता है ग्रू में, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जो कटर मशीन से कट किया था तो ये जो हमारा डोर का धार था दोनों साइड में हम लोगों ने बचाया हुआ था, इसको थोड़ा थोड़ा घिसाई करेंगे। और घिसाई करने के लिए इसका ब्लेड हम लोग चेंज करेंगे, जो हमारी घिसाई वाली ब्लेड आती है ग्राइंडर की, उसको लगा करके इसकी घिसाई कर देते हैं दोस्तों लास्ट में, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो कटर मशीन का ब्लेड था वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाया था, इसके लिए दोस्तों हम लोग इसकी घिसाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर बैठ चुका है हमारी पट्टी। ऐसे ही दोस्तों हम लोग एक साइड में इसका भी घिसाई कर देंगे, और थोड़ा सा इसका जो एज वगैरह
सार्प वगैरह है उसका भी थोड़ा सा घिसाई कर देना। यहाँ पे भी हमारी दूसरी पट्टी भी रेडी हो चुकी है चिपकाने के लिए। अभी जो हमारी तीसरी पट्टी है इसको भी हम लोग थोड़ा सा घिस लेते हैं। काफ़ी इजी प्रोसेस है दोस्तों, आप भी इस तरीके से इस गोल्डन की पट्टी को आसानी के साथ फिट कर सकते हैं। ये दोस्तों सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे मैच हो चुकी हैं, अभी हम लोग सिंपली इसको चिपका देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका जो कवर लगा हुआ है, जो प्रोटेक्शन सीट लगी हुई है, इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अंदर तक लगी रहती है। तो इसको अगर आप वैसे ही लगा देंगे तो, या फिर दोस्तों आप जितना अंदर जाएगा दोस्तों उतना भी कट करके इसको निकाल सकते हैं। अभी हम लोग इसको चिपकाने के लिए एयर लाइट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने फास्ट लिया हुआ है, इसको हम लोगों ने तैयार कर लिया हुआ है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरीके से पट्टी में लगा देंगे नीचे की साइड से, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रख देते हैं। और आप चाहे तो इसमें आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाना है तो यहाँ पे हम लोग फेविक्विक थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा, वैसे भी जो हमारा एयर लाइट है वो भी फास्ट ही है, बट दोस्तों उसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी पहली पट्टी थी कंप्लीट होने वाली है चिपक करके दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों ये चिपक चुकी है। अभी हम लोग इसकी थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एयर लाइट वगैरह थोड़ा सा लगा हुआ है, तो आपको सबसे पहले साफ कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में एक एब्रो टेप लगा देते हैं दोनों साइड से। अभी हम लोग दूसरी पट्टी लेते हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके से एयर लाइट लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद अच्छी तरीके से हम लोग इसको चिपका देते हैं, और इसमें भी हम लोग टेप लगा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर दोनों पट्टी आपस में सटी हुई कि नहीं सटी हुई वो आपको चेक कर लेना है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा दबा करके आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप चाहे तो एक प्लाई का टुकड़ा सा भी इसको दाब सकते हैं दोस्तों, जब तक आपका एयर लाइट सेट हो जाए। ये रेडी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमारी ये जो लास्ट वाली पट्टी है इसमें भी हम लोग लगा करके सेम उसी तरीके से इसको भी चिपका देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा इस चिपक करके रेडी हो जाएगा। इसमें भी हम लोग एब्रो टेप लगा देते हैं, और दोस्तों इसको हम लोग थोड़ी देर इस पट्टी को पकड़ के रखेंगे तो ये हमारी ये चिपक जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग फटाफट से एक बार फिर से सारी पट्टियों को क्लीन कर लेना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों क्लीन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये लग रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों ये लुक आ गया है हमारे इस स्लाइडिंग वार्डरोब के डोर का। आप भी कुछ इस तरीके से गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।